वेलकम टू माय चैनल। आज स्टॉक मार्केट में हमें हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक बड़ा फ्रॉड देखने को मिला। करीब 1000 करोड़ का ये फ्रॉड है एंड इस कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ फेक एक्सपेंसेस दिखाए हैं, बोगस एक्सपेंसेस, जो ऐसा एक्सपेंसेस है जो एक्चुअल में कभी हुआ नहीं है बट उसको अपने बुक्स में दिखाया गया है ताकि इनकम टैक्स बचाया जा सके। तो देखो, लालच एक ऐसी बुरी चीज़ है जिसमें हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनी भी फ्रॉड करने के लिए मजबूर हो जाती है या तो फिर तैयार हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज की स्टॉक मार्केट की बड़ी खबर क्या है एंड हम करेंगे निफ्टी के आज टेक्निकल एनालिसिस एंड जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी आगे अब कहाँ बढ़ सकता है, निफ्टी के साथ क्या हो सकता है। मेरा नाम है केतन अग्रवाल, आपका इन्वेस्टमेंट कोच। लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबर से। बहुत ही बड़ी खबर है, हीरो मोटोकॉर्प के अंदर 1000 करोड़ का फ्रॉड हमें देखने को मिला है। एंड आपको मैं बता दूं, 23 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने रेड मारा था एंड उसका वीडियो हमने बनाया था, आपको बताया था कि आईटी डिपार्टमेंट इस कंपनी के अंदर रेड मारा है एंड उस वक्त कुछ भी नेगेटिव निकल के सामने नहीं आया था। तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर कुछ भी नेगेटिव निकल के आता है उससे पहले आप अपने शेयर्स को लिक्विडेट कर दो या तो फिर पुट ऑप्शन खरीद के अपने पोजीशन को हेज कर दो। तो अगर आपने ऐसा किया होगा तो ऑब्वियसली आप एक बड़े लॉस से बच गए होंगे। तो आपको मैं बता दूं, बेसिकली इस टाइप का लॉस कैसे किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा एक्सपेंसेस या तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में कभी हुआ ही नहीं, जो कि कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, तो उसका क्या करते हैं कि फेक वाउचर बनाया जाता है एंड फेक वाउचर बना के कुछ फेक बिल्स रहते हैं, उसको एक्सपेंसेस दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल में कभी हुआ नहीं। तो ये फ्रॉड क्यों किया जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। सपोज़ अगर आपने 100 रुपीज़ की इनकम की है एंड 100 रुपीज़ की इनकम पर सपोज़ आपको 20 रुपीज़ का टैक्स पे करना है, 20% आपको टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट आपको यहाँ पे अलाउ करेगी कि 100 रुपीज़ के इनकम में से आप अपने एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया, जो भी आपके एक्सपेंसेस थे जैसे कि रेंट हो गया या तो ग्रॉसरी हो गया या तो फिर कुछ हाउस हेल्प के खर्चे हो गए या तो फिर वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल, ऐसा कुछ भी जो कि माइनस कर सकते थे, जेन्युइन था, आपने उसको अपने इनकम से माइनस कर दिया। तो सपोज सारे एक्सपेंसेस मिला के आपको हुए 50 रुपीज़, तो 100 से माइनस 50 अगर आप करते हो तो बचता 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़ के आप 20% अगर आप टैक्स पे करोगे तो वो हो जाता है 10 रुपीज़। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ 10 रुपया टैक्स पे करना एंड 50 रुपये का एक्सपेंसेस शो करना, आप क्या करोगे अपने एक्सपेंसेस को फेक करके बढ़ा के आप हो सकता है 70 या 80 रुपये का एक्सपेंसेस दिखाओगे एंड उससे क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ 20 रुपीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 80 का एक्सपेंसेस है तो 20% अगर आप टैक्स पे करते हो तो 4 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़। तो यहाँ पर आपने 6 रुपये बचा लिया। तो इस वजह से ये फ्रॉड किया जाता है। इन कंपनीज के अंदर भी अक्सर ऐसा फ्रॉड देखने को मिलता है हमें एंड छोटी कंपनीज के अंदर इस टाइप का फ्रॉड होता ही अक्सर, बट अगर बड़ी कंपनीज भी ऐसा फ्रॉड करने लगे तो एक बहुत ही मुश्किल भरी सिचुएशन है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हर टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि जानना कि कंपनी के अंदर में एक्चुअल में क्या चल रहा है। हम तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बट अगर वो बुक्स अकाउंट में कुछ नंबर फेक्स है तो यहाँ पर फिर दिक्कत वाली बात होती है। तो यहाँ पे ऑडिटर्स का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से जांचें ताकि वहाँ पे कोई भी फ्रॉड ना हो रहा हो। एंड अब ये स्टॉक के अंदर हमें 7% का फॉल देखने को मिला है, हो सकता है हमें और भी ज़्यादा फॉल देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर एंड ऐसा भी हो सकता है कि और भी कुछ नई फ्रॉड निकल के सामने आए, तो दोनों में पॉसिबिलिटी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कल का जो मार्केट क्लोज हुआ था 17,220 पॉइंट पर क्लोज हुआ था एंड आज को ओपनिंग गैप अप ओपन हुआ था 17,297 में, आज मार्केट ओपन हुआ था एंड अच्छा खासा गैप अप ओपन था। एंड आज का मार्केट थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल था, अप एंड डाउन ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था। तो बट आज का लो जो बना था मार्केट का वो आज का प्रीवियस क्लोजिंग से हाई में ही था, तो प्रीवियस क्लोजिंग को मार्केट आज ब्रेक नहीं किया तो एक पॉजिटिव साइन है वो। एंड आज का मार्केट 17,322 पे था एंड यहाँ पे चार्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको बता दूँ 16,400 एक सपोर्ट है, 16,800 एक सपोर्ट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को टच करे, बट आज का मार्केट देख के मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मार्केट 16,800 को दोबारा टच कर पाएगा टेक्निकली, अनलेस कोई फंडामेंटल
बुरा न्यूज़ आए। एंड 17,000 भी एक सपोर्ट है जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा था। अभी रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस के अंदर आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर मार्केट ने दो बार 17,000 लेवल को टेस्ट किया था, बट मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पाया, बार बार मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। तो एक ऑब्वियसली बात है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है एंड यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट सपोर्ट जो है 17,200 में, एंड आज का मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 17,600 में, जो अपसाइड में। तो हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था मार्केट के अंदर इस वक्त कि मार्केट हो सकता है कि 17,000 से लेके 17,600 के बीच में प्ले करे, एंड इस वक्त बिल्कुल वैसा होने लग रहा है। एंड ऑन द डाउन साइड 17,000 ध्यान रखें, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बाई चांस किसी भी रीजन से अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 16,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 17,000 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। तो जब भी आपको अच्छा प्राइस मिले, डाउन मिले, तो वो एक अच्छा बाय डिसीजन हो सकता है, एक अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है मार्केट के अंदर। एंड इस वक्त मैं ज़्यादा डाउन साइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ पिछले दो ट्रेडिंग सेशन को देख के, बिकॉज सी 17,000 में मार्केट अच्छा बाउंस बैक हुआ है एंड आज का गैप अप ओपन था एंड डाउन मार्केट गया नहीं एंड ग्रीन में ही आज का कैंडल क्लोज हुआ है। बट एक थिंग है कि मूवमेंट बहुत ही छोटा था, तो ऑब्वियसली हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो फाइट चल रहा है बुल एंड बेयर के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट चलने लग रहा है। एंड प्लस आज का मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, तो वो भी एक सिंबल है कि बुल एंड बेयर का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट चल रहा है। बुल एंड बेयर दोनों अपने मार्केट का कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ भी इस वक्त बुल जीतता हुआ हमें नज़र आ रहा है। एंड मार्केट को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखोगे कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी, तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के अंदर कितना अच्छा खासा फॉल आ चुका है। 99.72 पर बैरल का प्राइस है। अगर आप बात कर ले कल की, तो कल हमने देखा था 108-107 लेवल पे, एंड आज 99 लेवल पे है, तो ऑलमोस्ट $8-9 पर बैरल प्राइस गिर चुका है क्रूड ऑयल का। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव साइन होता है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री जो कि क्रूड ऑयल को हैवीली इम्पोर्ट करता है, एंड प्राइस गिरने से इंडिया का अच्छा फ़ायदा है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि अगले एक से दो महीने के अंदर क्रूड ऑयल का प्राइस गिरना चाहिए, क्योंकि जो OPEC कंट्रीज़ है वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल का प्राइस आने वाले टाइम में और भी गिर सकता है। गोल्ड की अगर बात कर लेंगे, तो गोल्ड के अंदर भी हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है कल के कंपेरिजन में। कल अराउंड 1940 में ट्रेड हो रहा था पर 100 आउंस ऑफ गोल्ड, तो आज जो गोल्ड ट्रेड हो रहा है वो $1,908 पर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छा बात होता है, बिकॉज सी अगर गोल्ड फॉल हो रहा है, इसका ऑब्वियसली मीनिंग ये होता है कि लोग गोल्ड को सेल कर रहे हैं एंड बाय कम कर रहे हैं। एंड तो जब गोल्ड सेल होता है, इसका एक ही मतलब होता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त गोल्ड से भी बेटर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट एरिया है, दूसरा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा कमा सकते हैं। एंड हमें स्टॉक मार्केट में राइज देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली गोल्ड से पैसा निकल के वापस स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है कि इन्वेस्ट हो, एंड उस वजह से क्या होगा, स्टॉक मार्केट के अंदर हमें बड़ा मूवमेंट, अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा ज़रूर। एंड यहाँ पर अगर यूएसडी आईएनआर की बात कर लेंगे, तो आप देख सकते हो डॉलर के अंदर भी कितना अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है, तो इंडिया के लिए बहुत ही बेहतरीन बात है ये। आप देख सकते हैं 75.6 में ट्रेड होने लग रहा है डॉलर आज। कल का अगर प्राइस देखोगे तो कल 76 के ऊपर था, 76.12 ऐसा ट्रेड हो रहा था, एंड आज करीब करीब 0.5 का फॉल यहाँ पे देखने को मिला, जो कि एक्चुअल में काफ़ी बड़ा फॉल है एक दिन के हिसाब से। एंड यहाँ पे अच्छा खासा करेक्शन हुआ, तो यहाँ पे इंडिया का दो फायदा, एक तो क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, दूसरा डॉलर भी सस्ता हो गया, तो अब इंडिया के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें देखने को मिलेगा इस वजह से। एंड यहाँ पे स्मॉल कैप की बात कर लेंगे, तो वहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिला है, मिड कैप के अंदर भी अच्छा खासा रिकवरी आज हमें देखने को मिला है। तो आने वाले टाइम में मुझे पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, एंड लगता है मुझे कि मार्केट अब 17,600 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा एंड उसको ब्रेक करता हुआ भी नज़र आएगा आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर। डाउन साइड में ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अगर डाउन साइड होता भी है टेक्निकल रीज़न से, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। ध्यान रखें फंडामेंटल कोई न्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका कोई बुरा न्यूज़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल फॉल होना चाहिए, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो आशा करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में ज़रूर मदद करेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं ऐसी वीडियोस डेली बनाता हूँ एंड अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, ताकि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके, आप वेल इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर, एंजॉय, फिर मिलेंगे।